हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं वो है बाइनरी टेबल कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए। उसके लिए हमने 12 बाय 12 की ग्रिड बनाई है, यानी 12 रोज हैं और 12 ही जो है कॉलम्स हैं, उसके हिसाब से अपन ने बनाई है। तो सबसे पहले अपन इसमें क्वेश्चन को जो है वो पुट करते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या डेटा जो है वो आपको दे रखा है। तो पहले जो तीन कॉलम है 1 2 3, ये तो डेटा लिखने में काम आ जाएंगे। फोर्थ से अपन क्वेश्चन लिखना चालू करते हैं। अपने यहाँ वेट्स जो हैं वो दे रखे हैं। वेट्स में आपको दिया है 80 to 90, 90 to 100, 100 to 110, 110 to 120 एंड 120 to 130, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। और यहाँ भी 1 2 3 3 कॉलम से चल जाएंगे। फोर्थ से अपन डेटा लिखते हैं। यहाँ आपको दे रखे हैं एज दे रखी है और हाइट्स दे रखी है। ये हाइट्स हैं ये आपकी 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65 एंड 65 से 70। और इनकी फ्रीक्वेंसीज हैं आपकी, इसकी है 2 4 2 डैश, देन इसकी है 6 7 11 एंड 6, इसकी आपको दे रखी है 12 20 25 17, इसकी आपको दे रखी है 10 13 20 एंड 14, इसकी आपको दे रखी है 5 8 13 एंड 5। इस क्वेश्चन का मीनिंग भी अपन देखें, इसका मतलब ये हुआ कि जिस पर्सन की हाइट 50 से 55 इंच के बीच में है और उसका वेट 80 टू 90 के बीच में है, ऐसे जने कितने हैं? दो। ऐसे ही जिन पर्सन्स की हाइट 50 से 55 के बीच में है और जिनका वेट 90 से 100 के बीच में है, ऐसे जने कितने हैं? दो, 6। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि यहाँ दो वेरिएबल काम कर रहे हैं, वेट एंड हाइट, और ये है उनकी फ्रीक्वेंसी। यानी मैं ये कहूँ कि जिनकी हाइट 60 से 65 के बीच में है और जिनका वेट 80 to 90 के बीच में है, ऐसे जने कितने हैं? टू। तो यहाँ दो वेरिएबल हैं, इसीलिए इसको बाई वेरिएट टेबल जो है वो बोलते हैं। क्वेश्चन को इसको लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है। और इनका टोटल जो है वो क्वेश्चन में दे रखा है। इसका जो टोटल है, इसका टोटल है 8 2 और 4 6, 6 एंड 2 8, देन 6 7 11 6, दैट इज 30, दैट इज 74, दैट इज 57, दैट इज 31, और यहाँ के टोटल आपको दे रखे हैं 35, 52, 71, 42, और इन फ्रीक्वेंसीज का टोटल और इन फ्रीक्वेंसीज का टोटल, दोनों का टोटल आ रहा है 200। यही हमारा एन होगा, एन जो है वो है आपका है 200। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन इस तरीके से आपको दे रखा होगा। यहाँ आपको हाइट दे रखी है, यहाँ आपको वेट्स दे रखे हैं। फोर्थ कॉलम में लिया है 1 2 3 4th, और यहाँ भी 1 2 3 4th कॉलम से हमने लिखना चालू किया है। और ये आपका पूरा क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। अभी तक हमने सिर्फ क्वेश्चन लिखा है, अपनी तरफ से हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को अपन आगे बढ़ाते हैं। पहले हाइट जो है 50 से 55 दे रखा है, तो इसकी मिड वैल्यू जो है वो अपन ले लें। इसकी 50 से 55 की मिड वैल्यू, जो मिड वैल्यू है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज 52.5। 55 से 60 की 57.5, 60 से 65 की 62.5 एंड 65 से 70 की 67.5। सही है, ऐसे इनकी भी मिड वैल्यू ले लो। 80 से 90 की मिड वैल्यू है आपकी 85, 90 से 100 की 95, 100 से 110 की 105, देन 115 एंड देन 125।
अभी हमने सर मिड वैल्यू निकाली है, अब एक एक कॉलम, एक कॉलम रो यहाँ बच रही है और एक कॉलम यहाँ बच रहा है। अब क्या करेंगे, ये वैल्यूज भी बहुत बड़ी है, अगर हम इनके स्क्वायर्स वगैरह करेंगे पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई हम इनको साइंस दे देते हैं कि इसमें इसको एज्यूम कर लिया तो ये आ गया, इसको एज्यूम कर लिया तो ये आ गया जीरो। इससे इक्वल डिफरेंस है, पाँच पाँच का डिफरेंस है, तो जीरो से ऊपर की जो वैल्यूज़ हैं, क्योंकि 62 से पहले 57 है, 57 से 52 है, तो अपन देख रहे हैं इन सब में पाँच पाँच का डिफरेंस है ना, तो हम डिविएशन साइन दे सकते हैं, -1 -2 और भी होता तो दे देते हैं। यहाँ आगे वैल्यू बढ़ रही है, 62 से 67 हुई है, तो यहाँ डिविएशन साइन दे दिया +1। ऐसे यहाँ 105 है, इसको एज्यूम कर लिया तो ये आ गया जीरो। 105, 95, 85 इक्वल डिफरेंस पे, तो इनको डिवीजन साइन दिया -1 -2, और ये 115, 125 आगे ट्रेंड चल रहा है, तो इसको +1 और +2, ये हमने डिवीजन साइन दे दिए। ठीक है, ये हमने डिवीजन साइन दिए जिससे कि कैलकुलेशन हमारी छोटी हो जाए। अब हमें क्या करना है, जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स में ब्लू कलर से अपन ने फ्रीक्वेंसी तो लिख रखी है, तो जैसे यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ कि जैसे आपने बीच में फ्रीक्वेंसी लिखी है, तो इसका जो अपर कॉर्नर है, यहाँ मैं लिखूंगा dx dy। सर dx dy क्या है, देखिए ये जो आपने वैल्यूज कैलकुलेट की हैं -2 -1 0 +1 +2, इनको मैं ले रहा हूँ dy, और ये जो वैल्यूज -2 -1 0 1, इसको मैं क्या ले रहा हूँ dx, ये इधर और ये इधर, dx और dy है। अगर मैं dx dy को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कॉर्नर पे dx dy आ सकता है, कैसे आएगा देखो, -2 into -2 दैट इज +4, -2 into -1 दैट इज +2, -2 into 0 दैट इज 0, एंड -2 into +1 दैट इज -2। वापस देखते हैं, -1 into -2 दैट इज +2, -1 into -1 दैट इज +1, -1 into 0 दैट इज 0, 0 वाले तो हमेशा 0 ही रहेंगे, देन -1 into +1 दैट इज -1। ठीक है, अब 0 को देखें, 0 into -2 तो ये 0 ही रहने, 0 0 0, क्यों 0 से तो किसी को मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेगा, देन +1 into -2 दैट इज -2, +1 into -1 दैट इज -1, +1 into +1 दैट इज 1, +2 into -2 +2 into -2 दैट इज -4, +2 into -1 दैट इज -2, +2 into 0 0 हो गया, +2 into 1 दैट इज। ये हमने अपर कॉर्नर ये वाला बना दिया dx dy, सबके अपर कॉर्नर्स आ गए, देखो इन सब वैल्यूज के अपर कॉर्नर आपके आ चुके हैं। ठीक है, अब लोअर कॉर्नर क्या है, देखो ये फ्रीक्वेंसी थी, ये dx dy कैलकुलेट किया, अब लोअर कॉर्नर में अपन f को अगर मैं dx dy से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा f dx dy, क्या ये f है, ये dx dy है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, यानी 4 2 8, तो ये लोअर कॉर्नर आ जाएगा 8, है ना, कैसे 4 2 8 दैट इज 2 0 0 0, तो 0 तो 0 ही रहने, तो इसको तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, या कर लो 2 into 0 0, 2 into - ये भी 0 ही है, 6 2 12, 7 1 7, 11 0 0, 6 into -1 दैट इज -6, 12 को 0 से करोगे 0, 20 into 0 0, 25 into 0 0, 17 into 0 0, ठीक है, 10 into -2 दैट इज -20, 13 into -13, 20 into 0 0, 14 1 14, देन 5 4 20 यानी -20, 8 into -2 दैट इज -16, 13 0 0, 5 2 10, ये लो जी सबके लोअर कॉर्नर भी आ गए। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ दिख रही है, लेकिन इतनी टफ है नहीं, उनको हमको स्टेप वाइज करना है, पहले फ्रीक्वेंसी लिखी हुई थी, फिर हमने डीएक्स डीवाई कैलकुलेट कर लिया, फिर डीएक्स डीवाई को एफ से मल्टीप्लाई किया तो ये एफ डीएक्स डीवाई आ गए, तो ये लोअर कॉर्नर सबके बन गए, सही है। अब हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को अपन आगे बढ़ाते हैं, ये फ्रीक्वेंसीज का टोटल है, यानी ये एफ है, ठीक है ना।
अब मैं f को इस dx से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आपका आ जाएगा f dx। कैसे, ये f है 35 और ये dx है माइनस टू, ये dx है माइनस टू। 35 इंटू माइनस टू दैट इज माइनस का 70। 52 इंटू माइनस वन दैट इज माइनस का 52। 71 इंटू जीरो दैट इज जीरो। 42 इंटू प्लस का 1 दैट इज 42। ये एफ डी एक्स आ गया। अब मुझे चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से एफ डी स्क्वायर एक्स, एफ डी स्क्वायर चाहिए। ये एफ डी है ही, एक्स तो बस बोलने में ही है, बाकी है तो ये एफ डी। एफ डी में एक बार मैं डी की मल्टीप्लाई और कर दूं तो एफ तो सिंगल ही रहेगा लेकिन डी का स्क्वायर हो जाएगा। मैं वापस बोल रहा हूँ, एफ डी में अगर मैं डी की एक बार मल्टीप्लाई कर दूं तो एफ तो सिंगल ही रहेगा लेकिन डी स्क्वायर हो जाएगा, यानी माइनस 70 इंटू माइनस 2 दैट इज प्लस का 140। माइनस 52 इंटू माइनस का 1 दैट इज 52। 0 इंटू 0 0। 42 इंटू प्लस का 1 दैट इज 42। ये एफ डी स्क्वायर आ गया। अब हमें चाहिए एफ डी एक्स डी वाई। ये लोअर कॉर्नर हमने, हमारी बात हुई थी एफ डी एक्स डी वाई, तो लोअर कॉर्नर लेने 8 एंड 12 20, 20 माइनस 20 0 प्लस माइनस 20, ये हो गया टोटल माइनस 20। 8 एंड 10 15, 15 में से 13 गया 2, 2 माइनस 16 दैट इज माइनस का 14। यहाँ तो सारे जीरो हैं। 0 माइनस 6 14 एंड 10 24, 24 में से माइनस 6 गया दैट इज 18। ये अपना पूरा रो खत्म हो गया। पहले हमने f को d से मल्टीप्लाई किया fd आया, fd को एक बार d से और किया fd स्क्वायर आया, और देन लोअर वाले 8, 12, माइनस 20, माइनस 20 इनका टोल किया तो fdx dy आया। अब इनका टोल कर देते हैं। fdx का टोल ये आपका है सिग्मा fdx, इसका टोटल आ रहा है माइनस का 80। ये आपका सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स, इसका टोटल आ रहा है 234। और सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई, इसका टोटल आ रहा है माइनस का 16। ये इन सब के टोटल निकालिए, टोटल अभी हमारे काम आएंगे ये वाले टोटल सभी। अब हम इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे दूसरी तरफ। अब यहां ये फ्रीक्वेंसी है, ये भी आपकी फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी को आप अगर डी वाई से, ये डी वाई आपका माइनस टू, इससे आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये निकलेगा एफ डी वाई। तो 8 इंटू माइनस टू दैट इज माइनस का 16। 30 इंटू माइनस का 1, 30 इंटू माइनस का 1 दैट इज माइनस 30। 74 इंटू 0 दैट इज 74। 57 इंटू 1 दैट इज 57। 31 इंटू 2 दैट इज 62। ये एफ डी आ गया, एफ डी वाई बोल दो, एफ डी बोल दो। अब इस एफ डी को एक बार डी वाई से मैं और मल्टीप्लाई कर दूं तो एफ तो सिंगल ही रहेगा लेकिन डी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक डी में दूसरे डी की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये निकल जाएगा एफ डी स्क्वायर। वाई तो लिखना ही है, तो माइनस 16 इंटू माइनस 2 दैट इज प्लस का 32। माइनस 30 इंटू माइनस का 1 दैट इज प्लस का 30। 74 इंटू 0 दैट इज 0। 57 इंटू 1 दैट इज 57। 62 इंटू 2 दैट इज 124। ये आपका एफ डी वाई आ गया। अब हमें निकालना है एफ डी एक्स डी वाई। हम क्या करेंगे, लोअर वालों का टोटल करना वही एफ डी एक्स डी वाई, लोअर कॉर्नर ही था 8, 8 एंड 8 16, 0, 0 तो 16 आ गया। 12 एंड 7 19, 19 में से 6 गया 13 आ गया, ये आपका 0 है। ये 14 माइनस 13 प्लस का 1 माइनस 20 दैट इज माइनस का 19। माइनस 20 माइनस 16 दैट इज माइनस का 36। माइनस का 36 एंड 10 दैट इज माइनस का 26। ये वैल्यूज आ गई, ये एफ डी वाई, ये एफ डी स्क्वायर वाई, ये एफ डी एक्स डी वाई, सही है।
तो एफ डी वाई का टोल करेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा एफ डी वाई, और इसका टोटल आ रहा है 73। ये एफ डी स्क्वायर, तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर वाई, और इसका टोटल आपका आ रहा है 243। और ये एफ डी एक्स डी वाई, तो सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई, इसका टोटल आ रहा है माइनस का 16। ये दोनों टोटल हमेशा समान इक्वल आएंगे। ये दोनों टोटल देखो, यहाँ भी माइनस 16 आया था और यहाँ भी माइनस 16 आया। तो कैलकुलेशन देखने में बहुत हैवी है, पर एक दो क्वेश्चन जब तक आप इसके करेंगे नहीं, तब तक आपको इसके स्टेप्स जो हैं वो आपको याद नहीं होंगे, है ना। एक दो बार इसको करना पड़ेगा तभी आपको स्टेप्स याद होंगे। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। देखें फॉर्मूले में कैसे पुट होगा। बाइवेरिएट का फॉर्मूला देखें आप कि फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है आर इक्वल्स टू एन इंटू सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा एफ डी एक्स इंटू सिग्मा एफ डी वाई दैट होल अपॉन अंडर रूट एन इंटू सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका एक्स का बन गया, और ऐसे ही वाई का भी बन जाएगा। एन इंटू सिग्मा, या एफ डी स्क्वायर एक्स था तो यहाँ आ जाएगा सिग्मा एफ डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा एफ डी वाई का होल स्क्वायर। सही है। अब हमें इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो देखिए, सबसे पहले एन तो आपने यहाँ निकाला था, ये एन टोटल था इन सभी फ्रीक्वेंसीज का, यूं कर लो चाहे यूं, एन है 200। इंटू सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई, और एफ डी एक्स डी वाई का टोटल यहाँ था -16, और यहाँ भी -16। वो तो कोई सा भी ले लो, ये दोनों -16 ही आते हैं। माइनस सिग्मा एफ डी एक्स इंटू सिग्मा एफ डी वाई, तो ये रहा सिग्मा एफ डी वाई, ये सिग्मा एफ डी एक्स, और ये सिग्मा एफ डी वाई, यानी -80 इंटू 73। -80 इंटू 73 दैट होल अपॉन अंडर रूट एन, एन तो 200 था ही, इंटू सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स, सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स, और एफ डी स्क्वायर एक्स आपने यहां निकाला था, इट वॉज 234, और एफ डी स्क्वायर वाई था 243। सही है। तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स है 234 माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वायर। सिग्मा एफ डी एक्स भी आपने निकाला था, यहां आपने सिग्मा एफ डी एक्स निकाला था, दैट इज -80, तो -80 का होल स्क्वायर। देन अगेन एन, एन इज 200 इंटू एफ डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा एफ डी वाई का होल स्क्वायर, यानी वाई के दोनों अच्छी हैं। एफ डी स्क्वायर वाई आपने निकाला था 243, और एफ डी वाई निकाला था 73, 243 एंड 73। तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर वाई है 243, और एफ डी वाई है माइनस का 73 उसका होल स्क्वायर। सही है। ये आपका पूरा फॉर्मूला जो है वो पुट हो गया। आप इसका फॉर्मूले की वैल्यूज जो है सारी चेक कर सकते हैं। सही है। ये आपका पूरा फॉर्मूला पुट हो गया। अब सॉल्व कर लो। 200 इंटू -16 दैट इज माइनस का 3200, -80 इंटू 73 दैट इज माइनस का 5840 दैट होल अपॉन अंडर रूट। इस वाले ब्रैकेट को आप सॉल्व करोगे, यानी 200 इंटू 234 माइनस 80 का स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा 40,400। 200 को 243 से मल्टीप्लाई करोगे और उसमें से माइनस करोगे माइनस का 73 का स्क्वायर, तो ये आपका
कैलकुलेशन आएगा 4, 3, 2, 7, 1। अब ऊपर वाली कैलकुलेशन को आप सॉल्व करोगे तो -3200 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा +5840। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका रूट निकालोगे, दैट इज 41810.86। इनको प्लस माइनस करके डिवाइड बाय 41810.86 करोगे तो ये आ जाएगा 0.062। दिस इज योर आंसर। तो इस फॉर्मूले के जितने भी कंटेंट हैं वो आपको कैलकुलेट जब करने होते हैं उसके लिए आपको ये बाईवेरिएट टेबल बनानी पड़ती है। तो ये बाईवेरिएट टेबल बनाने से ये सारे कंटेंट और ये सारे कंटेंट आपको पता लग जाते हैं, टोटल्स कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि ये वाले जो टोटल आपने कैलकुलेट किए वही इस फॉर्मूले में आपके यूज़ होंगे। तो बाईवेरिएट टेबल को सॉल्व करने का ये वन एंड ओनली तरीका है। इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार जब करेंगे तब आपको इसके सारे स्टेप्स लर्न होंगे। ओके, थैंक यू।